नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज, इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। यूपी के बुलंदशहर में सपा के जिला कार्यालय पर आयोजित सपा की मानसिक बैठक में सपा जिला अध्यक्ष अमजद अली गुड्डू ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव में जुटे और अपने अपने बूथों पर वोट बनवाने का कार्य और प्रदेश की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। इसके मुख्य एजेंडे दो एजेंडे हैं। एक तो जो 22 तारीख तक वोटों का जो बढ़ने का कार्यक्रम है ना, उसमें जो 18 साल के लोगों में जितनी भी वोटें बढ़नी है, एक तो वो एजेंडा है हमारा। दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियाँ, जो बेसिक मुद्दों से महंगाई से हटके और वो दूसरी बातों पर लगी हुई है, जबकि आप देखेंगे सिलेंडर के दाम 5 महीने में 139 रुपये पड़ गए, आलू की क्या हालत है, प्याज की क्या हालत है, मूलभूत जो लोगों की बेसिक जरूरतें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं। ये लोग CA और NRC में लगे रहेंगे, आम नागरिक ने जो वोट दिया है वो रोजी रोटी के लिए और अपनी महंगाई कम करने के लिए दिया है, ना कि इन मुद्दों के लिए दिया है। और कोई संदेश देना चाहते हैं जनता को? जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर जा रही है और जिस लिए उन्होंने वोट, इनका वादा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, इनका वादा था कि महंगाई कम करेंगे, आपने इनके स्लोगन देखे होंगे चुनाव से पहले कि ना महंगाई ना भ्रष्टाचार, अब की बात इनकी सरकार भाजपा वालों की, यही थे ना इनके, हो क्या रहा है, उसके उलट हो रहा है कि महंगाई भी है भ्रष्टाचार।